हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं, तो सीक्वेंस से ही सभी क्लासेस को देखें ताकि सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें हम कंटेंट वाला पार्ट करने वाले हैं चैप्टर में, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये मेरे बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक पर जाएं और वहीं से डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज के चैप्टर की। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह से पुराने समय में लड़के और लड़कियों में अंतर होता था या फिर समानताएँ होती थी, और समाज किस नज़र से देखता है लड़के और लड़कियों दोनों को, और पुराने टाइम का और जो अभी का टाइम चल रहा है दोनों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से कुछ चीज़ें सिमिलर आपको मिलती हैं जो पहले भी होती थी और अब भी होती हैं, और कुछ तो मैं बदलाव भी देखेंगे कि पहले जो चीज़ें होती थी उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। तो दोनों तरह की चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का। बात करें अगर लड़के और लड़कियों की, तो ये किसी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप किसी को भी देखते हैं, जैसे आपने किसी एक लड़की को देखा तो आपके मन में क्या है इमेज, एक लड़की की इमेज है। लड़के को देखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ये लड़का है। तो मतलब कि एक पहचान का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है लड़के या फिर लड़की होना। तो हमसे किस तरह का व्यवहार होना चाहिए ये उसे प्रभावित करता है। तो आपने देखा भी होगा अगर कोई लड़का है उससे कुछ और तरह का व्यवहार होता है, किसी और तरह से व्यवहार होता है, और जो लड़की है उससे किसी और तरह से व्यवहार होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा क्या, सोसाइटल आउटलुक। सोसाइटल आउटलुक क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है लड़के और लड़कियों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का। और अब बात कर लेते हैं समानता की। अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी की जहाँ बात आती है तो पुरुषों और महिलाओं का जो है अलग अलग महत्व होता है सोसाइटी में हमारी। तो अधिकांश जो समाज है पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरह से महत्व देते हैं। मोस्ट सोसाइटी रेस्पेक्ट मैन एंड वीमेन डिफरेंटली। तो अलग अलग तरह से महत्व कैसे देते हैं, जैसे कि महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं और जो काम वे करती हैं उन्हें आमतौर पर पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं से या फिर पुरुष जो काम करते हैं उनसे कम महत्व दिया जाता है। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजअली वैल्यू लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। तो जो पुरुष काम करते हैं पुरुष के काम से महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है, महिलाओं के काम को। तो जैसे कि मान लो किसी एक घर में पुरुष कमाने के लिए जाता है बाहर और महिला घर पे काम करती है। तो अगर बात करें वर्किंग आवर्स की, वर्किंग आवर्स तो महिलाओं के ज़्यादा हुए और पुरुष के कम होंगे, और पुरुष को बाहर वर्क करने के बाद घर में आकर रेस्ट मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं हैं वो जैसे ही सुबह उठेंगी शाम तक उनका काम चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्किंग आवर्स ज़्यादा होने के बावजूद भी जो महिलाओं का काम है उसको वैल्यू कम दी जाती है। अब चाहे वो बाहर काम करें या फिर घर में काम करें, दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो महिलाओं का काम है उसको कम महत्व दिया जाता है, ये बात इसमें हो रही है। तो एक हम स्टोरी देख लेते हैं इसी के बारे में कि पहले टाइम से हम कंपेयर करेंगे आज के टाइम को, कि 1920 की बात है ये और समोआ द्वीप की बात है। समोआ द्वीप में बच्चे किस तरह से बड़े होते थे 1920 के दशक में। तो बात कर लेते हैं जो समोआ द्वीप है, ये समोआ जो आइलैंड है प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में, ये द्वीप समूह है। तो ये द्वीप समूह है मतलब छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है ये। और 1920 में सामोन समाज पर एक शोध रिपोर्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। इन 1920 अ सर्च रिपोर्ट ऑन सामोन सोसाइटी। तो मतलब कि वहाँ जो रहने वाले लोग थे, वहाँ की जो सोसाइटी थी, समाज था, उसके बारे में एक रिपोर्ट है कि वहाँ के बच्चों का जो पालन पोषण है कैसे होता था, बच्चे किस तरह से बड़े होते थे। तो लड़के लड़कियों दोनों के बारे में ही यहाँ पर बात होगी। बच्चे जो हैं वहाँ पर स्कूल नहीं जाते थे, चिल्ड्रन डिड नॉट टू गो टू स्कूल। तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो क्या करते थे वो, मतलब स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों का तो काम स्कूल जाने का होता है बचपन में सबसे पहला, लेकिन वहाँ स्कूल नहीं जाते थे। इसके अलावा उनको कई तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज, वे कई चीज़ें सीखते हैं जैसे कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, घरेलू काम कैसे करते हैं,
घरेलू काम करने का काम था उनका, और बचपन में ही अलग अलग समय पर उन्हें ये बात सीखने को ये सब बातें उनको अलग अलग स्टेजेस पर बच्चे बचपन में सिखाई जाती हैं। दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दियर चाइल्डहुड। तो वो बच्चों की देखभाल करते हैं, जैसे कि वो बड़े बहन भाई हैं और उनसे छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनकी देखभाल कैसे करनी है ये सिखाया जाता है उनको, और हाउस होल्ड वर्क करना उनको सिखाया जाता है या फिर कराया जाता है। तो ये सभी चीज़ें वो सीखते हैं बचपन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामोआ आइलैंड जो है, ये यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे होंगे, पैसिफिक ओशन है यहाँ पर इधर, और ये ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको पड़ेगा ये सामोआ आइलैंड यहाँ पर। तो मैप में भी लोकेशन देखनी चाहिए आपको, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, पता रहता है एक दिमाग में, एक इमेज बन जाती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। तो अब आगे देख लेते हैं, जैसे ही बच्चा चल सकता था उनकी देखभाल उनके बड़े भाई बहनों द्वारा की जाती है। लड़के लड़कियां दोनों के द्वारा ही की जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करेंगी या फिर लड़के ही करेंगे। तो जैसे मतलब छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बहन भाई होते हैं, तो उनकी देखभाल क्या है, बड़े भाई बहनों को करनी पड़ती थी वहाँ पर। अगर बात करें 9 साल के लड़के की, तो 9 साल का जब लड़का होता था तो बड़े लड़के लड़कों को मछली पकड़ने और नारियल लगाने जैसे काम में लगाते हैं। मतलब 9 साल का जो लड़का होता था उसको थोड़ा सा बड़ा माना जाता था कि हाँ ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको फिर मछली पकड़ने के काम में और नारियल लगाने के काम में लगाया जाता था। लड़कियां क्या करती थी, लड़कियां छोटे बच्चों की देखभाल करना या वयस्क लोगों के लिए काम करना, जैसे कोई घर के बड़े लोग हैं उनके लिए काम करना और छोटे बच्चों की देखभाल, तो ये काम होता था गर्ल्स का। गर्ल्स कंटिन्यू टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरन्स फॉर एडल्ट। तो जो टीनेजर गर्ल्स होती थी उनके बारे में ये बात हो रही है। और किशोर लड़कियों को 14 साल की उम्र के बाद बहुत अधिक स्वतंत्रता मिलती है। जैसे कि आप आज के टाइम में देखें, कहीं कहीं पर इतना पिछड़ा इलाका होता है हमारे यहाँ पर, आप देखें इंडिया में, तो मतलब जैसे ही लड़कियां टीन एज में पहुंचती हैं तो उनकी जो आज़ादी है वो छीन ली जाती है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन यहाँ पर इस आइलैंड में क्या था कि जैसे ही लड़की टीन एज में अपनी पहुंचती है तो उसको काफ़ी फ्रीडम मिलती है। वे मछली पकड़ने के दौरे पर भेजी गई थी और वृक्षारोपण में भी इनको काम में लगाया जाता था, टोकरी बुनाना भी इनको सिखाया जाता था, खाना विशेष खाना पकाने के घरों में पकाया जाता था। तो विशेष खाना पकाने के घर होते थे, जैसे कि आजकल हम उसको किचन बोलते हैं, तो इसी तरह से अलग खाना पकाने के लिए जगह होती थी, कुकिंग हाउसेज उनको बोला जाता था। अब देखो, हमने सामोआ आइलैंड के बारे में पढ़ लिया कि वहाँ पर लड़के लड़कियों को कैसे रखा जाता था, कैसे उनका पालन पोषण होता था। अब हम जानेंगे हमारे कंट्री के बारे में। हमारी कंट्री में एक स्टेट है एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी हम कब की बात कर रहे हैं, 1960 की, वो हमने देखा था 1920 का, और ये हम बात करेंगे 1960 की, कि यहाँ पर लड़के किस तरह से बड़े होते थे। वैसे तो लड़कियों के बारे में भी इसमें जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, तो कक्षा छठी से क्या होता था, लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूल में गए, अलग अलग स्कूल में जाते थे। जैसे ही कक्षा 6 में आए, लड़के और लड़कियां दोनों ही उनके लिए हो गए अलग अलग स्कूल। अब देखो दोनों के स्कूल में भी अंतर है। जो लड़कियों का स्कूल है उसमें सेंट्रल आंगन है और बाहर से कुल एकांत और सुरक्षा में खेला जाता है, प्लेड इन टोटल सिक्लूजन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जो उनका खेलने की भी जगह थी ना, वो उनकी बिल्कुल एकांत में थी कि वहाँ कोई आए जाए ना, या तो कह सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए या फिर किसी और तरीके वजह से। तो और लड़कों के स्कूल की बात करें तो ऐसा कोई आंगन नहीं था, मतलब लड़कियों के लिए जो आंगन था खेलने के लिए, ऐसा कोई आंगन लड़कों के स्कूल में नहीं था। और स्कूल से जुड़ी जो थी वो भी बड़ी जगह थी, जो उनके खेलने की जगह थी, मतलब लड़कियों के लिए एक सीमित जगह थी जबकि लड़कों के लिए काफ़ी बड़ी जगह थी खेलने के लिए, तो स्पेस काफ़ी लड़कों को मिला था इसमें। और यहाँ पर जो लड़के हैं वो सड़क का उपयोग खेलने के लिए, बेकार में आसपास खड़े होने के लिए और अपनी साइकिल को दौड़ाने के लिए करते थे। मतलब उनके लिए तो खुली इतनी छूट है लड़कों के लिए सड़क पर कि वो बेकार में खड़े भी हो सकते हैं अपना ग्रुप बना करके, और साइकिल भी दौड़ा सकते हैं, खेल भी सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अब वही बात अगर आती है लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए कुछ अलग नियम थे। लड़कियों का उद्देश्य जब कुछ होता था तभी सड़कों पर चलती थी, यानी कि जैसे अगर उन्हें स्कूल जाना हो तो ही वो जाएंगी, कुछ कहीं और जाना हो तो वो जाएंगी। लड़कियों के लिए सड़क सीधे घर जाने के लिए एक जगह थी, मतलब ना उनको रुकना है, ना उनको वहाँ पर खेलना है, ना ही उनको साइकिल चलानी है, उनको बस सीधे जाना है स्कूल और स्कूल से घर जाना है। तो उनके लिए एक सीधा रास्ता था सड़क सिर्फ। लड़कियाँ हमेशा समूहों में जाती थी, मतलब उनको अकेले भी नहीं भेजा जाता था, हमेशा ग्रुप में जाने को उनको कहा जाता था। और इसके अलावा हम अगर बात करें कि ऐसा क्यों किया जाता था, कि समूहों में जाती थी वो, ग्रुप्स में जाती थी,
तो ऐसा इसलिए हो सकता था कि उन्हें छेड़े जाने या फिर हमला होने की आशंका थी, तो इसलिए भी वो ग्रुप में जाती थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बींग टीज्ड और अटैक्ट। तो इस डर की वजह से भी वो ग्रुप में जाती थी, ऐसा माना जाता है। तो अब और अगर बात करें तो लड़के लड़कियों के लिए बड़े होने के भी अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके थे, जैसे कि अगर बात करें समाज की, सोसाइटी की, तो समाज लड़के और लड़कियों के बीच स्पष्ट अंतर करता है, यानी कि दोनों में क्या कर कह सकते हैं हम, भेदभाव करता है जो समाज है। अब अगर बात करें जीवन के हर क्षेत्र में, बच्चों को ये बताने का एक तरीका कि उनका अलग भविष्य होगा, तो मतलब कि जी जैसे कि इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ उन बच्चों को ये बताया जाता था कि उनका जो फ्यूचर है वो अलग होगा। जैसे कि लड़के जो हैं उनका फ्यूचर अलग होगा, लड़कियों का फ्यूचर अलग होगा। जैसे कि लड़कियों को कहा जाए कि भाई आपको तो घर का ही काम करना है, उसी को सीखो, उसी के लिए ही काम करो। और इसके अलावा कुछ बाउंड्रीज भी थी, जैसे कि लड़कियों को कोमलता से बात करने की ज़रूरत है या लड़कों को सख्त होने की ज़रूरत है, ये कहा जाता था। और लड़के रोते नहीं हैं ये कहा जाता था। इसके अलावा काम में भी अंतर देखने को मिलता था। तो गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू टफ, बॉयज़ डोंट क्राई, डिफरेंस इन द वर्क। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो ये एमपी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जेंडर हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, स्टीरियोटाइप देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में भेदभाव कर किया जाता था, लड़के और लड़कियों के बीच में। इसके अलावा जेंडर स्टीरियोटाइप भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्टीरियोटाइप के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं फिर से। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि घरेलू काम का मूल्य। अब देखो, क्योंकि ज़्यादातर हमने जब जहाँ पर भी देखा है, ये हमने सामोआ आयरलैंड की बात करी तो वहाँ पर तो लगभग लड़के लड़कियों को समान ही समझा जाता था, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की बात करी तो वहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता था। अब हम बात करेंगे घरेलू काम का मूल्य क्या है, वैल्यूइंग हाउस वर्क। देखो, अक्सर ये माना जाता है कि गृह कार्य वास्तविक कार्य नहीं है, हाउस वर्क इज़ नॉट रियल वर्क, ऐसा माना जाता है। तो जो महिलाएं घर में काम करती हैं सुबह से शाम तक, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा रहते हैं, मेहनत वाला काम रहता है, लेकिन फिर भी उस काम को वैल्यू नहीं किया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड विमेन जो हैं कई तरह के कामों में लगी हुई हैं, जैसे कि गृह कार्य वो करती हैं, हाउस वर्क करती हैं, देखभाल करने वाले कार्य करती हैं, केयर गिविंग टास्क, या वो चाहे या तो बच्चों की देखभाल हो या फिर बुजुर्गों की देखभाल हो, अपने बड़े बड़ों की देखभाल हो, तो ये सभी काम करने का काम किसका होता है, महिलाओं का होता है। परिवार का वो ध्यान रखती हैं, लेकिन घर के भीतर महिलाएं जो काम करती हैं उसे काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। बट द वर्क दैट वीमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकोगनाइज एज वर्क, तो उसको काम माना ही नहीं जाता, बल्कि ये भी कहा जाता है कि क्या काम है, कोई काम नहीं है। महिलाओं की स्वाभाविक जिम्मेदारी मानी जाती है, ये कंसिडर्ड एज नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन। ये कहा जाता है उनसे कि ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हें करना ही है, और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ काम होता है तो उनको उसके लिए पनिश भी किया जाता है। तो उनको उसका काम का पैसा भी नहीं मिलता है, और समाज इस काम को अधिक महत्व नहीं देता। डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। वहीं दूसरी ओर अगर लड़का कोई अच्छे पैसे कमाएगा, जॉब करेगा, तो उसको इतनी वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो लड़कियां घर में काम करती हैं, महिलाएं घर में काम करती हैं, उस काम के ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही उसको वैल्यू मिलती है। अब बात कर लेते हैं लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घर पर कार्य करने वालों का जीवन। देखो, इसमें हम बात करेंगे जो वो आपके हाउस होल्ड वर्कर्स होते हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं। कस्बों और शहरों में घरेलू कामगार काम करते हैं, जो आपने देखा होगा, जो लोग वर्किंग है, वर्किंग वीमेन है, या फिर मैन भी वर्किंग है, तो वो क्या करते हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर्स रख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए या काम करने के लिए। इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, तो ये क्या काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू और सफाई हो गई, कपड़े और बर्तन धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, छोटे बच्चों की या फिर बुजुर्गों की देखभाल करना हो गया, तो स्वीपिंग एंड क्लीनिंग ये करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली, तो ये सभी काम करते हैं ये घरेलू कामगार। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है इन सब काम के लिए, तो वो डोमेस्टिक वर्कर्स रख लेते हैं। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये जो काम करते हैं ये महिलाएं काम करती हैं। वैसे तो सभी को रखा जाता है, जैसे कि महिलाएं, लड़के, लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है, सभी काम में लगे होते हैं। और अगर डोमेस्टिक वर्कर की हम बात करें तो इसकी जो मजदूरी है वो कम है, मजदूरी कम से मतलब जो वेतन इसको मिलता है वो कम मिलता है, वेजेस आर लो, और हार्डवर्क बहुत है इसमें, हार्डवर्क है, मेहनत बहुत है, तो मतलब कि हार्डवर्क भी है और पैसे भी कम है, क्योंकि सफाई का काम होता है,
खाना बनाने का काम होता है, कपड़े धोने का काम होता है, ये सभी कामों में मेहनत लगती है, और लेकिन उसके हिसाब से उनको पे नहीं किया जाता। अगर हम बात करें घर के काम की तो कड़ी मेहनत से होता है, हाउस वर्क की बात करें तो ये कड़ी मेहनत इसमें लगती है। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है, जैसे कि कुछ काम तो फिर भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ कामों में जो फिजिकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, हैवी फिजिकल वर्क होता है। जैसे कि हम बात करें पानी लाना, गाँव में ये अक्सर आपने देखा होगा, ये काम होता है गाँव में, फैचिंग वाटर। रूरल एरिया वीमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी लोड ऑफ फायरवुड, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो जलाऊ लकड़ी का भारी बोझ उठाती हैं, क्योंकि वो चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो उसके लिए उनको लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं। इसके अलावा कपड़े धोने का, झाड़ू लगाने का, सफाई करने का और भार उठाने जैसे कार्यों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। और अगर हम बात करेंगे स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स, तो ये काम भी करना पड़ता है, जैसे कि गर्म चूल्हे के सामने लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए, खाना बनाना है, उसमें सब्जी बनाना है, रोटियां सेकनी है, तो ये काम आ जाता है। इसके अलावा केयर गिविंग जो वर्क होते हैं, देखभाल करने वाला जो काम होता है, बुजुर्गों का या फिर बच्चों का या फिर कोई बीमार पड़ जाए उसकी देखभाल करने का काम, तो ये सभी जो काम है इसमें काफ़ी मेहनत लगती हैवी फिजिकल वर्क होता है ये। और अगर बात करें डोमेस्टिक वर्कर्स की, देखो जो अपने घर का काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उस पर तो लोड है ही, लेकिन जो ये डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, एक तो ये अपने घर का काम करते हैं और दूसरा फिर ये बाहर जाकर भी वही काम करते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, अधिक काम के घंटे हो जाते हैं इनके, घर का काम प्लस बाहर का काम, अधिक काम के घंटे होंगे प्लस अधिक शारीरिक मेहनत हो गई इनकी, फिजिकल वर्क भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं, ये जो है आंकड़ा लिया हुआ है कि जैसे कि मतलब दो स्टेट का ये आंकड़ा है, यहाँ पर देखें आप हरियाणा और तमिलनाडु। यहाँ पर अगर बात करेंगे कि पेड जो विमन है, यानी कि जो विमन का जो है पेड जो किया जाता है और कितने घंटे काम करती हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा वुमेन विमेन जो है अनपेड जो हैं, जो कि काम करती हैं हाउस वर्क और पे नहीं किया जाता है उनको, तो यहाँ पर अगर आप देखें हरियाणा में 23 आपको मिलेंगे, 23 घंटे ये बेसिकली पर वीक दिए हुए हैं, यानी कि एक वीक में 23 घंटे हमने मान लिए जो वर्किंग वीमेन है, वर्क आवर्स जो हैं वो हो गए 23 घंटे एक हफ्ते में हरियाणा में, और तमिलनाडु के ही दिए हुए हैं ये 19। ऐसे ही वीमेन जो हैं, ये तो हो गई पेड जो कि पे किया जाता है इनको, ये वर्किंग वीमेन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो देखो अनपेड है वीमेन जो हाउस वर्क करती हैं, और पर वीक का ये आंकड़ा दिया हुआ है 30 हरियाणा में और 35 आवर्स दिया हुआ है तमिलनाडु का, तो इस काम के लिए पे नहीं किया जाता है, और आप घंटे देख सकते हैं कि कितने घंटे काम हो गया ये जो हाउस वर्क होता है, तो एक भी घंटे का इनको पे नहीं किया जाता। और इसके अलावा मैन की बात करें तो मैन के वर्किंग आवर्स हो गए 38 और तमिलनाडु के 40, और इसके लिए पे किया जाता है इनको। मैन जो है अनपेड है जो हाउस वर्क करते हैं, वैसे तो हाउस वर्क बहुत कम मैन करते हैं, और पर वीक इनका कितना बनता है 2 आवर्स, और तमिलनाडु में दिया हुआ है 4 आवर्स, तो 4 आवर्स तमिलनाडु में ज़्यादा मैन है जो कि हाउस वर्क करते हैं। तो कुल मिला करके आप देख पाएंगे आंकड़ा दोनों में, देखो वुमेन जो है अनपेड जो है उनका वर्किंग आवर ज़्यादा आपको दिखेगा, उनकी वर्किंग आवर्स, और जो मैन जो अनपेड काम करते हैं ये इनका वर्किंग आवर्स बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो वुमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम के घंटे उनके हो जाते हैं, फिजिकल वर्क हो जाता है भी, लेकिन ना तो पे किया जाता है और ना ही उस काम की वैल्यू होती है। और अगर बात करें तो विमेंस वर्क एंड इक्वेलिटी की, महिलाओं का काम और समानता, महिलाओं का जो काम है अगर हम इसकी बात करें, देखो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के बीच असमानता की बहुत बड़ी कड़ी है। अगर पुरुष बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो वो घर आकर आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं वर्किंग हैं तो उनको बाहर भी काम करना है, घर पर भी काम करना है, और अगर महिलाएं हाउस वाइफ हैं घर पर ही काम करती हैं तो उसका कुछ नहीं उनका मिलता है। तो समानता स्थापित करने के लिए अगर हम बात करें तो टू एस्टेब्लिश इक्वेलिटी, इसे केवल व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी निपटना चाहिए, जैसे कि ये पारिवारिक स्तर पर ही नहीं निपटाया जा सकता बल्कि इसके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए, यानी कि इट हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान में जो है समानता की बात की हुई है। लेकिन अगर हम कहें कि रियलिटी की, अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में लिंग भेद आज भी मौजूद है, इनइक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस एग्जिस्ट, यानी कि लिंग भेद बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा हर जगह पर,
महिलाओं के काम का दोहरा बोझ आपको देखने को मिलेगा, डबल बर्डन ऑफ विमेन्स वर्क। तो आजकल तो आप पाएंगे कि जो विमेन्स विमेन जो हैं वो ज़्यादातर कामकाजी आपको मिलेंगी, तो उन पर बहुत बर्डन हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो बहुत से पुरुष हैं या बॉयज़ हैं जो कि हेल्प नहीं करते हैं उनके घर के कामों में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन इसमें हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? इसे ध्यान में रखते हुए सरकार स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी चीज़ें की गई हैं। सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनवाड़ी या बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। तो गांव अगर आप देखें तो गांव में आपको आंगनवाड़ीज मिलेंगी, जहां पर कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं कुछ घंटों के लिए, वहां पर उनको थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, थोड़ा खिलाया जाता है उनको और उनकी देखभाल की जाती है। इसके अलावा चाइल्ड केयर सेंटर्स आपको मिल जाएंगे गाँव में भी, शहरों में भी। शहरों में क्रैच सेंटर भी होते हैं। तो सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें ऐसे संगठनों के लिए जिनके पास 30 से अधिक महिला कर्मचारी हैं उनके लिए क्रैच सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो क्रैच सेंटर बेसिकली वही होते हैं जैसे गांव में आंगनवाड़ी होती है, वैसे ही शहरों में क्रैच सेंटर्स होते हैं जहां की महिलाएं अपने छोटे बच्चों को वहां पर छोड़ सकती हैं और पूरी देखभाल उनकी बच्चों की होती है। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वीमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटीज़। तो अगर किसी कंपनी में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो उनको उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसको क्रैच सेंटर पास में बनवाना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन, और इसके अलावा गर्ल एजुकेशन को भी सरकार सपोर्ट करती है। जैसे कि कुछ स्कूलों में आपको देखने को मिलेगा कि फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है और कुछ में कम ही फीस ली जाती है। तो इसी स्तर पर सरकार भी कई सारे सुधार कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आंगनवाड़ी की तस्वीर, तो कुछ इस तरह की होती है गांव में आंगनवाड़ी। यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है कुछ घंटों के लिए और यहाँ पर इसके अलावा इनको खाने के लिए भी दिया जाता है पौष्टिक आहार, क्योंकि गांव में जो पौष्टिक आहार की है वो बहुत कमी होती है, क्योंकि जो गरीब परिवार हैं वो संतुलित आहार नहीं जुटा पाते बच्चों के लिए, तो उसके लिए उनको पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के गाँव का चित्र है ये। इसके अलावा क्रैच सेंटर, यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह के क्रैच सेंटर होते हैं, छोटे बच्चे ही होते हैं यहाँ पर भी, जैसे कि जैसे यहाँ पर हैं। और इसके अलावा बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जो मैंने आपको बताया था सरकार ने गोल्स बनाए हुए हैं जिनको कि अचीव करना है इनको। तो एक गोल है हमारा, गोल नंबर 5, जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी वही है कि मेन और वीमेन को इक्वल ट्रीट करना। तो गवर्नमेंट तो इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन सोसाइटी में जो है अभी भी असमानता आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी हमारा गोल है, गवर्नमेंट का जो है गोल है ये भी, जेंडर इक्वेलिटी हो, सभी को समान समझा जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसमें देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब कि एक तरह से हम कहेंगे विषय दिए हुए हैं, दो विषयों और ए बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। कंसिडर द टू थीम्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट थीम टू डिस्कस जेंडर पैरिटी। तो बेसिकली बात हो रही है, अगर हम बात करेंगे लिंग समानता की तो हम कौन सा विषय चुनेंगे, लिंग समानता के बारे में अगर हम बात करेंगे क्लास में तो हम किस विषय को चुनेंगे जिस पर कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों ही प्रासंगिक हैं इसमें, ए एंड बी आर रिलेवेंट, तो दोनों को ही हम ले सकते हैं। देखो अगर हम बात करें श्रम की महत्ता की, श्रम की महत्ता को हम दोनों तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं तो वो एक तरह से मतलब कि महिलाओं के लिए ही नहीं होना चाहिए, वो पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। या फिर हम बात करें अगर बाहर काम करने की, तो बाहर जो पुरुष काम करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, तो दोनों इस काम को कर सकते हैं और लिंग समानता होनी चाहिए इसमें। जितना महत्व उसमें पुरुषों को दिया जाता है उतना ही महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। ऐसे ही गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व हम ले सकते हैं, होम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम ये कह सकते हैं कि जो गृह व्यवस्था के जो उत्तरदायित्व हैं वो सिर्फ महिलाओं के नहीं हैं, वो पुरुषों के भी उतने ही हैं जितने महिलाओं के हैं। तो दोनों टॉपिक हम इसमें ले सकते हैं, दोनों विषय हम इसमें ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।